रानीगंज के निमचा इलाके में ईसीएल के हाई वॉल माइनिंग प्रोजेक्ट में ब्लास्टिंग के वजह से आसपास के घरों में पड़ रही दरार को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों ने धावा बोल दिया। हाथों में डंडे लेकर महिलाएं हाई वॉल माइनिंग प्रोजेक्ट के साइट ऑफिस में पहुंची, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। रानीगंज के निमचा इलाके में ईसीएल के हाई वॉल माइनिंग प्रोजेक्ट में ब्लास्टिंग के कारण आसपास के घरों में पड़ रही दरार को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों ने धावा बोल दिया। हाथों में बांस व डंडे लेकर महिलाएं हाई वॉल माइनिंग प्रोजेक्ट के साइट ऑफिस में पहुंची, जहां उन्होंने ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। ऑफिस में रखे टेबल कुर्सी को क्षतिग्रस्त कर बाहर फेंक दिया। महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए ऑफिस में मौजूद प्रोजेक्ट के तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी भाग खड़े हुए। काफी देर तक महिलाओं ने माइनिंग प्रोजेक्ट में हंगामा मचाया। इसे लेकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को भी ग्रामवासियों ने ईसीएल के हाई वॉल माइनिंग प्रोजेक्ट में कोयला उत्पादन एवं परिवहन ठप कर दिया था। पूर्व पंचायत सदस्य परेश मंडल ने कहा कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स में ब्लास्टिंग किए जाने की वजह से स्थानीय तिराड ग्राम के लगभग 150 से ज्यादा घरों की दीवारों एवं छतों में दरार पड़ गई है, जिसकी वजह से ग्रामवासी दहशत में हैं और उन्हें हर पल किसी बड़ी अनहोनी की आशंका सताती है। यह इलाका अब उनके लिए असुरक्षित हो गया है, इसलिए वे लोग कई बार ईसीएल प्रबंधन से पुनर्वास की मांग कर चुके हैं, परंतु अभी तक उनके पुनर्वास का प्रबंध नहीं किया गया है। ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? पूर्व पंचायत सदस्य परेश मंडल ने कहा कि माइनिंग प्रोजेक्ट में ब्लास्टिंग के कारण नए सिरे से कई घरों में दरार पड़ गई थी, इसलिए सोमवार को ग्रामीणों ने प्रोजेक्ट में जाकर विरोध जताया था और कामकाज बंद कर दिया था। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक ईसीएल के अधिकारी ग्रामीणों के साथ बातचीत कर पुनर्वास को लेकर कोई निर्णय नहीं ले लेते, तब तक हाई वॉल माइनिंग प्रोजेक्ट का कामकाज बंद रहेगा। परंतु ऐसा देखा गया कि सोमवार की रात फिर से जोर जबरदस्ती काम शुरू कर दिया गया और फिर ब्लास्टिंग की गई। इसी बात को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाई वॉल माइनिंग प्रोजेक्ट में जाकर आक्रोश जताया। আজ কালকে পুলিশের সামনে আমরা বন্ধ সবাই এসেছিল, ম্যানেজমেন্ট ছেড়ে পালিয়েছে, আমরা বন্ধ করে পুলিশ বলেছিল ঠিক আছে বন্ধ হয়ে জিএম এজেন্ট না আসা পর্যন্ত ফাঁচরা না পর্যন্ত থেকে বন্ধ থাকুক এটা বলেছে। কিন্তু কাল রাত্রে জানি না কোন অজ্ঞানবশত কার পাওয়ারে কোন দালালের মাধ্যমে চালু করলো, যার ফলে আরো বিক্ষোভ জমে যায় যে কেন চালু করলো। আমরা ম্যানেজমেন্ট যখন বসবো বলেছে বসার পর ফাঁচরা তো এখানে চালু হবে, কিন্তু এরা জোরজবরদস্তি চালু করছে মানুষের কথাকে সাই না দিয়ে। তাই এই প্রতিবাদে সমস্ত মহিলা সশস্ত্র হয়ে এসেছে, তার পেছনে পেছনে আমাদের আসতে বাধ্য হয়েছে। এই মহিলারা এসে সদস্যপদে এটা এসেছে বলে এরা পালিয়ে গেছে, ম্যানেজমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে গেছে, কেউ বন্ধ করে নাই, আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেছে। রানীগঞ্জ থেকে সঞ্জয় ভান্ডারী কি রিপোর্ট পাবলিক টাইমস। मुझे ये ऐलान करने में बड़ी खुशी हो रही है कि हम पेश करने वाले हैं बेमिसाल ताकत वाला नया SEL Tiger TMT रीबार। स्वागत नहीं करोगे हमारा?